Hello everyone, this is Supya. Welcome back to the Supya's Biology. In this video, we will see the mechanism of gill respiration. हम ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, रिस्पायर करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास लंग्स होती हैं, बट फिश के पास क्या होता है, उनके पास गिल्स होती है इंस्टीड ऑफ लंग्स. इट मीन्स जो गैस एक्सचेंज ऑर्गेन होता है फिश में, वो क्या होता है, वो उसे गिल्स कहते हैं. और ये गिल्स क्या है, एक फ्रेंजियल आउटग्रोथ होती है. लोकेशन क्या है गिल्स की, गिल्स किधर लोकेट होते हैं, गिल्स क्या होते हैं, हेड की इधर साइड पर प्रेजेंट होते हैं बिहाइंड द माउथ कैविटी. ये क्या है, फिश का हेड है वो, और ये क्या है, गिल्स हैं जो इधर साइड प्रेजेंट होती है जस्ट बिहाइंड द माउथ कैविटी. ओके, और बॉनी फिश में ये जो गिल्स होती हैं वो क्या होती है, कवर होती है एक हार्ड बॉनी फ्लैप जिसे ओपरकुलम कहा जाता है, या कॉमनली उसे क्या बोलते हैं, गिल कवर बोलते हैं. इट्स मीन्स बॉनी फिश के पास जो गिल होती हैं वो क्या होती, कवर होती हैं ओपरक्यूलम या गिल कवर से. ओके, बट कार्टिलेजिनस फिश में क्या होती है, ये ओपरक्यूलम या फिर गिल कवर अब्सेंट होती हैं. अगर नंबर की बात करें तो बॉनी फिश में जो 3 pairs तक गिल्स देखा गया है, और कार्टिलेजिनस फिश में ये कितने होते हैं, ये 5 to 7 pairs होते हैं. जॉलेस प्रिमिटिव फिश में ये 7 pairs होते हैं. ओके, कलर की बात करें तो गिल्स कैसा होता है, डार्क रेड या ब्राउन रेड इन कलर होता है. किस लिए, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से, ब्लड की वजह से क्या होता है, इनका जो गिल्स का कलर होता है या तो डार्क रेड या ब्राउन रेड दिखता है. ओके, तो गिल्स जो है एक रिस्पिरेटरी ऑर्गेन है किसका, बॉनी फिश का. आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि बॉनी फिश कैसे रिस्पायर करते हैं. ओके, तो गिल्स क्या है, गिल्स आर टिश्यू दैट आर लाइक शॉर्ट थ्रेड प्रोटीन स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलामेंट्स. इच फिलामेंट इज मेड अप ऑफ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लैमिले. ओके, एंड विच हैव अ री सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज. तो ये रहा गिल्स, इसे इधर जूम किया मैंने. तो ये क्या है, ये गिल है जो कि कैसा वी शेप्ड स्ट्रक्चर है, और ये सपोर्ट किससे, ये क्या है, गिल आर्क है. और ये जो वी शेप जो गिल का है, ये वाले पोर्शन, इसे क्या बोलते हैं हम, गिल फिलामेंट बोलते हैं. एंड इच फिलामेंट्स में क्या होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे कहा गया लैमिले. और इस लैमिले में क्या होता है कि ब्लड कैपिलरीज का रिच सप्लाई होता है. ओके, और ये जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है, ये फिलामेंट को क्या करता है, एक लार्ज सरफेस देता है जिसकी वजह से क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके O2 एंड CO2 का, और आयंस एंड वाटर भी ट्रांसफर हो सके. और ये जो लास्ट सरफेस है वो क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम वाटर में बोले कि डिजोल्व ऑक्सीजन कंपेयर करें, अगर ऑक्सीजन सॉरी एयर से, तो एयर के कंपेयर में वाटर में बहुत ही लेस अमाउंट में ऑक्सीजन डिजोल्व होता है. तो फिश क्या करती हैं, फिश वाटर में क्या करती है, वाटर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके रिस्पायर करती हैं. इस वजह से क्या होता है, फिश को लार्ज एरिया की जरूरत होती है. इस वजह से क्या होता है, जो फिश में ब्लड कैपिलरीज होता है ये हेल्प करता है कि वो इजीली ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सके वाटर में. चलिए तो हम देखते हैं कि बॉनी फिश कैसे रिस्पायर करती हैं थ्रू दी गिल्स. ओके, तो क्या होता है कि ड्यूरिंग द इनहेलेशन वाटर कंटेनिंग डिजोल्व ऑक्सीजन, जो क्या होता है कि पहले क्या करती है फिश, जो वाटर होता है जिसमें ऑक्सीजन डिजोल्व है उसे क्या करती है, माउथ में लेती है. And fish moves its jaws in such a way as to pump the incoming water through the gills. When mouth open, the floor of the buccal cavity is lowered. Operculum cavity is enlarged and operculum is closed. तो क्या होता है कि एक बात याद रखनी है कि जब भी माउथ ओपन होता है फिश का, तो ऑपरकुलम क्या होता है, वो क्लोज हो जाता है. और ऑपरकुलम जब क्लोज्ड होता है, ओपन होता है, तब क्या होता है, माउथ क्लोज्ड हो जाता है. तो फिश क्या करती है, फिश पहले माउथ ओपन करती है, उसमें अपना वाटर जो भी होता है वो लेती है. वो वाटर क्या होता है, वो फेरिंग्स तक जाता है, बकल कैविटी की जाता है. एंड देन वो क्या होता है, वहां से वो गिल्स की तरफ जाता है. उसके बाद क्या होता है, जो एक्सहेलेशन होती है, एक्सहेलेशन में क्या होता है, जैसे ये माउथ क्लोज्ड होता है, बकल कैविटी क्या होती है, रेज्ड हो जाती है, और वाटर एंटर कर जाता है गिल लैमिले में, और गैसेस एक्सचेंज होता है बिटवीन दी ब्लड एंड वाटर वायर डिफ्यूजन. क्या होती है, जो वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू किस में आ जाती है, ब्लड कैपिलरीज में आ जाती है, ब्लड में आ जाती है,
क्या होती है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर, जैसे वाटर में क्या डिफ्यूजन के थ्रू वो ब्लड्स में चली जाती हैं, एंड आफ्टर विच द ऑक्सीजन इंटर द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड की से वो क्या होते हैं सारे सेल्स और टिश्यूज तक में वो जो ऑक्सीजन होता है वो पहुंच जाती है वहां से. द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड. जब ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, तब क्या होगा, जो रिमेनिंग वाटर होती है वो क्या हो जाएगा, गिल से बाहर आ जाती है. ओके, तो इस प्रोसेस को हम देखते हैं क्या होता है. तो ये क्या हो गया, हमारा जैसे वाटर है, गिल है, तो ये वाला पोर्शन मैंने इधर, ये वाला पोर्शन मैंने इधर ड्रॉ किया है. ओके, तो ये क्या है, ये लैमिले हैं. तो ये क्या हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, इधर से जा रहा है. ओके, जब वाटर इधर जा रहा है तो वाटर में क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा. एंड वाटर जब जाने लगेगा और गिल्स से बाहर, तब ये क्या करेगा, जो बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 है, उसे वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और उसे लेकर कहाँ चला जाएगा, गिल्स से आउट हो जाएगा वाटर जिसमें CO2 प्रेजेंट है. ओके, तो ये हमने क्या देखा कि फिश ने क्या किया, फिश पहले वाटर ली, वो वाटर कहाँ चला गया, हमारे पास गिल्स के पास गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, अगर ये वाटर इधर से जा रहा है तो इसके पास क्या है, ये ऑक्सीजन रिच है अभी, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो ब्लड जो जा रही है, ये मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया, ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. क्यों, क्योंकि वाटर इधर से जा रही है, तो इसके पास क्या ऑक्सीजन है, ये सारा डिफ्यूजन के थ्रू हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगा ये O2, तो ये क्या गया, ब्लड में चला गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ये वाला ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है, जिसके पास ऑक्सीजन है, वो ये वाला लाइन हो जाएगा. एंड देन जब ये वाटर ऑपरक्यूलम से बाहर निकलना चाहेगा, तब ये क्या करेगा, जो ये ब्लड में CO2 पहले से प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, डिफ्यूजन के थ्रू वो वाटर में आएगा और क्या हो जाएगा, जो वाटर CO2 लेकर बाहर निकल जाएगा. और ये जो मैकेनिज्म है, या इट्स मीन्स वाटर, इसे कहते काउंटर करंट मैकेनिज्म, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होता है, इसमें जो वाटर होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है ब्लड फ्लो के, और इस मैकेनिज्म को ही बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म. ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.